पांच राज्यों में चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरण में चुनाव होंगे। अगले महीने चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। कल से 5 राज्यों का दौरा करेगा चुनाव आयोग। जनवरी में हो सकती है तारीखों की घोषणा। फरवरी मार्च में मतदान और मतगणना हो सकती है। तो चुनावों से जुड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जनवरी में तारीखों का ऐलान हो सकता है। फरवरी और मार्च तक मतदान और मतगणना हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। अब जल्द ही चुनाव आयोग जो है वो 5 राज्यों में दौरा करने निकलेगा और इसके बाद तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 6 से 8 चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं। जनवरी में तारीखों की घोषणा होगी। फरवरी मार्च में मतदान और मतगणना। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव को लेकर घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग अब 5 राज्यों के दौरे पर निकलेगा। उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकता है। अगले महीने तारीखों का ऐलान हो सकता है। फरवरी मार्च में मतदान और मतगणना की संभावनाएं जताई गई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। 5 राज्यों में अब जल्द ही चुनाव संबंधी घोषणा की जा सकती है। जोहेब हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जोहेब, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर अब वो समय आ गया है जब तारीखों की घोषणा होगी और उसके बाद मतदान होगा। खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। क्या कुछ अपडेट्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? जी बिल्कुल हिना, देखिए लगातार चुनाव का जो है वो एक्शन मोड नजर आ रहा है। चुनावी माहौल है चारों तरफ। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने तैयारी की है। फिलहाल सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि फरवरी से मार्च के बीच में ये चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग की जो रणनीति है अगर उसके बारे में बात करें तो सूत्रों के हिसाब से मिली जानकारी के अनुसार मार्च के आसपास यानी होली के आसपास ये चुनाव कराने की तैयारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 7 से 8 चरणों में चुनाव को कराने की तैयारी की जा रही है और चुनाव आयोग ये चाहता है कि जब लोग छुट्टी में जो होली पर घर आए तो वो इलेक्शन उसके आसपास पड़े ताकि लोग इलेक्शन में वोटिंग भी कर सकें और अपना त्योहार मनाकर घर से वापस भी जा सके, इसलिए ये तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि जनवरी के पहले हफ्ते या दिसंबर के आखिरी हफ्ते से आचार संहिता भी चुनाव आयोग लगाएगा, लेकिन अभी इन सारी चीजों पर पुष्टि किसी प्रकार की नहीं है। ये सारी की सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से है जो लगातार हमें मिल रही है, हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जी के लिए बहुत शुक्रिया जोहेब आपका।